नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ देशों में रहने वाले, खास तौर से दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, आप भाई इंडिया क्यों नहीं आना चाहते, क्या रीजन है? जबकि आपको छुट्टी भी मिल रही है, कंपनी ये बोलती है जी हम आपको सेंक्शन छुट्टी करते हैं, आप घर चले जाओ, या फिर आप छुट्टी काट के वापस आ जाना, आपकी छुट्टियां भी पड़ी हैं काफ़ी पिछले 2 सालों से, फिर भी लोग वापस इंडिया क्यों नहीं आना चाहते? जी हाँ, ये एक न्यूज़ आई थी, जी हाँ, काफ़ी जगह अच्छी न्यूज़ थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर दूँ और कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है कि इंडिया आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कौन से कदम अभी उठाने चाहिए आपको, ये जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। खास तौर से जो आप विदेशों में बैठे हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडिया से जो लोग विदेश जा रहे हैं उनको तो आज जैसे उनकी 10 दिन बाद टिकट है वो पहुँच जाएंगे, उनको तो 10 दिन का रिस्क है, लेकिन आपको कितना लंबा रिस्क रहेगा इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, ये एक रियल फैक्ट आंकड़ों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से, 2020 के बाद में 2022, दो साल ये तीसरा चल रहा है, हकीकत तो ये है, 2020 निकल गया, 2021 पूरा निकल गया, 2022 शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, अभी जो कोरोना के आंकड़े माहौल चल रहे हैं ना, इंडिया में लगभग 3 लाख के करीब केस आने स्टार्ट हो चुके हैं या 3 लाख कल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ, जो लोग छुट्टी आए थे आप लोगों की सबकी ऐसी की तैसी कर दी थी कोरोना की वजह से, सब लोग बर्बाद हो गए। जिन लोगों की रोजी रोटी सिर्फ नौकरी वहाँ जॉब करने की वजह से चल रही थी उनको हज़ार रुपये मांगने पड़ गए, मैंने देखा है मेरी आंखों से, ये सच्चाई है। आप लोगों को काफ़ी टाइम से आपकी सभी देशों में बैठे हैं, 1 साल से कंपनियाँ छुट्टी देती हैं, 2 साल से कंपनियाँ छुट्टी देती हैं, आपका पैसा, आपकी तनख्वाह, आपका जो छुट्टी का टाइम है वो कंपनी में पड़ा है, 1 साल से 1 महीने की छुट्टी मिलती है 11 महीने के बाद वो पड़ा है, आपको 2 साल हो गए, आपको 3रा साल चल रहा है, यानी 2-3-4 महीने तक की आपके पास छुट्टी पड़ी है, उसके बावजूद भी आप इंडिया नहीं आना चाहते। इसका रीज़न आपके मन में भय, भय ये है कि कल को अगर आप छुट्टी लेके इंडिया पहुंच गए, आप इंडिया आओगे तो 2-3 महीने पहले तो जाओगे नहीं, 2-3 महीने में ये जो ऊँट है ना, ये ऊँट कौन से करवट बैठेगा कोई पता नहीं लगता, अगर आप उस करवट के नीचे आ गए तो नीचे दब के रह जाओगे ओमिक्रॉन और कोरोना के नीचे, और फिर फ्लाइटें बंद हो, अगर हो सकती हैं मान लो खुदा ना खास्ता ऊपर अगर नहीं, ऊपर वाला नहीं करे ऐसा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो दोबारा आप विदेश जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्लाइटें ओपन होगी तो लाखों रुपये की टिकटें आएंगी, ब्लैक में बिकेगी, जॉब चली जाएगी, कंपनी आपको स्वीकार नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपके ऊपर नए नए रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आपको अप्रूवल लो, आपको ग्रीन पास लो, आपको रेड पास लो, फलाना ढिमका ऐसा हो जाएगा। इसी वजह से जो लोग विदेशों में बैठे हैं वो इंडिया नहीं आना चाहते, अब की ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, और अगर आप विदेश में बैठ के वीडियो देख रहे हैं इंडिया आना चाहते हैं तो आपके मन में 100% ये सवाल आ रहा होगा कि कल को मैं इंडिया चला जाता हूँ तो मुझे वापस कैसे आऊंगा, क्योंकि अभी लोग जो इंडिया से जैसे अलग अलग दुबई, कतर वगैरह जा रहे हैं, तो आज मान लो मैं, मुझे आना है 10 दिन के बाद में, तो मुझे 10 दिन की रिस्क है कि 10 दिन में फ्लाइट बंद नहीं हो जाए, लेकिन आप अगर वहां से आओगे तो 2-3 महीने की छुट्टी तो पक्का आओगे आप, यह तय है, तो 2-3 महीने के बाद में या 2-3 महीने के बीच में कौन सी स्थिति क्या हो जाए, जैसे पहले हुई थी आप छुट्टी आ गए दोबारा आप जाने जा ही नहीं सके थे, 1-1 साल 2-2.5 साल सब कुछ खत्म हो गया, नए वीजे से आप बेचारे पासपोर्ट ऊपर वाले जेब में इंटरव्यू देते घूम रहे हैं, हमारे राजस्थान की अगर लोगों की बात करें, क्योंकि पहले वाला पूरा सिस्टम खत्म हो गया, कंपनी में तनख्वाह बोनस वगैरह सब रह गया, कंपनी टाटा कंपनी का मजे बन गए, अरे तू जा भाई अब हम नए ले लेंगे, ये स्थिति है। इसी वजह से लोग, आप लोग डर रहे हैं, डरना वाजिब है, डरना जरूरी है, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, लेकिन यहाँ डरोगे तो आपकी जीत रहेगी, क्योंकि पता नहीं है, हालांकि हम उम्मीद करेंगे कोरोना बढ़ रहा है, फ्लाइटें बंद न हो, लेकिन और लेकिन भाई देखिए किसी भी देश की सरकार का हम क्या भरोसा करें, अब मान लो कोई भी देश इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई कोरोना के केस बढ़ रहे हैं हम आपके 1 महीने के लिए फ्लाइटें सस्पेंड करते हैं, कौन क्या उखाड़ लेगा जी, उस देश के लोग आए हैं अभी उनका 10 दिन बाद वीज़ा खत्म हो रहा है, 1 महीने बाद फ्लाइटें ओपन कैसे जाएगा वो बंदा, तो ये सच्चाई है, तो थोड़ा सा धीरज धरें, ये उम्मीद है ये लास्ट है, ये उफान आकर वापस धीरे धीरे डाउन होगा, उसके बाद आएँ, एक बार आप अपना काम करते रहें। वैसे भी इंडिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सुकून इस बात का है मौतें नहीं हो रही हैं, कल की न्यूज़ में देख रहा था कि आज तक जो 2.75 लाख आंकड़े आज की डेट में आए हैं ना, उस टाइम में जो पिछले बार जो मार्च में आए थे 2021 में, अगर बात करें तो उस टाइम मौतें इतनी भयंकर हुई थी कि आप सोच नहीं सकते, और अब की बार उस टाइम 3 लाख आंकड़ों में 50,000 मौतें हो चुकी थी, लेकिन अब की बार एक आंकड़े सर्वे के अनुसार मात्र 6-7 हज़ार मौतें हुई हैं 3 लाख आंकड़ों में, तो ये अच्छी बात है, मौतें नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसका रीज़न है वैक्सीन डोज,
जिन्होंने वैक्सीन लगभग लोगों ने ले रखी है, एक डेग ली है, किसी ने दो ली है, इस वजह से हो भी रहा है तो वो अपने आप रिकवर हो जाता है, वो बच जाते हैं, मौतें नहीं हो रही है। तो एक तराई तराई वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन किसी देश की सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इंडियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पर 3-4-5 लाख केस मान लो रोज आने लग जाए तो उनकी नज़र में तो वो बड़ी कंडीशन ख़राब हो जाएगी ना, उन देशों की सरकारों की नज़र में। तो हो सकता है रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई एक महीने के लिए फ्लाइटें सस्पेंड की जाती हैं, शाम को आ जाए न्यूज़, तो आपको तो हो गए ना बर्बाद। तो आप थोड़ा वेस्ट करिए, बचिए, और ये जैसे उफान, ये दूध है, ये उफन रहा है, उफन के वापस अपनी स्थिति में आएगा, तब आप वापस आ सकते हैं। बस ये मेरे विचार थे, शेयर कर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।